ग्वालियर में लॉकडाउन के बीच नशे के सौदागर सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते कैंसर हॉस्पिटल रोड पर लगाए गए। अस्थायी चेकिंग पॉइंट में पुलिस को दो गांजा तस्कर दबोचने में सफलता मिली। यह दोनों तस्कर एक्टिवा गाड़ी पर सवार होकर गेहूं की बोरी रखकर गुजर रहे थे। इस दौरान रोकने पर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हुए गेहूँ खरीद कर लाने की बात कही गई, लेकिन शक होने पर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी की डिक्की के अंदर लगभग 1 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस पूछताछ पकड़े गए दोनों आरोपियों द्वारा घोसीपुरा का रहने वाला बताया गया है। वहीं पुलिस ने वाहन एवं गांजा जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। से क्या है कि विक्की फैक्ट्री और चिरवाई नाका दो रास्ते हैं हमारे ग्वालियर में आने के अंदर, पर एक ये जो रास्ता है कैंसर पहाड़िया का, यहाँ कुछ लोग हमने खुदवाया है, कलेक्टर साहब ने वहाँ पे 2-3 बार खुदवाया, फिर भी बाइक से लोग आते हैं। संदिग्ध हमको कुछ सूचनाएं मिली थी कि यहाँ से कुछ लोग बाहर ग्रामीण क्षेत्र में शराब बिक रही है, तो वहाँ से ला के और लोग आ रहे हैं शहर में, इसलिए हमने यहाँ पे आज चेकिंग पॉइंट लगाया था। कुछ लोगों से बाहर के लोग जो बाहर की ये गाड़ियाँ कुछ 07 के अलावा, उन लोगों से हमने पूछताछ भी करी है कहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ लोग गेहूँ वगैरह भी लेके आ रहे हैं और अंदर शहर में आ रहे हैं। निरंतर लगातार यहाँ फिर मांडरे की माता लगातार चेकिंग पॉइंट बदलते बदलते हर जगह चेकिंग पॉइंट की जाएगी, चेकिंग की जाएगी बिल्कुल। अभी जितने भी लोग पकड़ में आ रहे हैं उसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारी को बताकर उसकी कार्रवाई। जो रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।